तो हम लोग कंटिन्यू करने हैं कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। और मुझे लगता है ये लास्ट लेक्चर होगा, मैं पूरी तरह से इसे खत्म करूंगा। और इसी लेक्चर के साथ साथ क्लास 9th का बायोलॉजी का सेक्शन खत्म हो जाएगा। ऑल्दो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इफ यू गाइज आर नीडिंग यू गाइज नीडेड फॉर दैट और फील समवट नीड अबाउट दैट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, देन यू कैन कमेंट एंड आई विल जस्ट स्टार्ट टू प्रिपेयर सम लेक्चर्स ऑन दोज सेक्शंस ऑल्सो। ओके, सो लेट्स इनिशिएट पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू राइज डोमेस्टिक फाउल और एग प्रोडक्शन। ठीक है, डोमेस्टिक फाउल की बात है। अब ये देखना, यहाँ चिकन स्पेशली चिकन वर्ड का यूज नहीं हुआ है, चिकन वर्ड का यूज नहीं हुआ है, फाउल वर्ड का यूज हुआ है। व्हाट इज फाउल, तो इसको आप ढूंढिएगा। और मुझे लगता है ये फाउल के अंदर में वो सारे बर्ड्स आ जाते हैं जो कि डोमेस्टिकेटेड है। इसमें डक भी हो सकता है, इसमें ईमू भी हो सकता है, इसमें चिकन भी हो सकता है, इसमें हो सकता है ऑस्ट्रिच भी हो जो कि बाहर के देशों में किया जाता है। तो ये सारे जो इनके प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क है या फिर इनके हस्बेंड्री से रिलेटेड जो वर्क है वो पोल्ट्री फार्मिंग में किया जा रहा है। ओके, नाउ देयरफॉर इंप्रूव पोल्ट्री ब्रीड्स आर डेवलप्ड एंड फॉर्म्ड टू प्रोड्यूस लेयर ऑफ फॉर एग एंड ब्रॉयलर्स फॉर मीट। ठीक है ना, दो चीजें यहां बात की गई है। एक तो एग के प्रोडक्शन को भी बढ़ाना है और एक मीट के प्रोडक्शन को भी, मीट के भी प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ठीक है, तो मीट के प्रोडक्शन के लिए यहाँ स्पेशली ब्रॉयलर्स की बात की गई है, ब्रॉयलर्स। ठीक, अब बात आती है द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम बिटवीन इंडियन इंडिजिनस फॉर एग्जांपल असेल एंड फॉरेन एग्जॉटिक एग्जांपल ऑफ लेगहॉर्न ब्रीड्स। तो जैसे हम लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री में कैटल्स में क्रॉस ब्रीडिंग कराया था, उसी तरह से यहाँ भी ब्रीडिंग कराया गया फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ वेराइटी। ठीक है, जो कि फोकस था डेवलप न्यू वेराइटीज फॉर फॉलोइंग डिजायर ट्रेड। अब क्या डिजायर ट्रेड क्या हो सकता है, अरे एग फॉर्मेशन करना है तो हाई नंबर ऑफ एग। ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस कुछ नहीं होगा तो ये दोनों तो एकदम मस्त है इसके लिए। अब देखिए क्या देता है, नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, मतलब कि नंबर इंक्रीज हो तेजी से, मतलब कि मोर एग्स प्रोड्यूस करे वो ब्रीड, नेक्स्ट जो नेक्स्ट जन ब्रीड है। ड्वार्फ ब्रॉयलर पैरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन। ड्वार्फ ब्रॉयलर का मतलब क्या होगा कि अगर जो चिकन बहुत बड़ा नहीं हो रहा है और छोटा ही रह रहा है तो वो जल्दी से मेच्योर होगा, उसको, और छोटा होगा तो नंबर्स भी ज्यादा बढ़ेगा और जल्दी डेवलपमेंट होगी, बहुत ज्यादा फीड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इन सभी चीजों पे काम किया जा सकेगा, मिटिगेट किया जा सकेगा। समर एडेप्टेशन कैपेसिटी, ठीक है, गर्मी दिन ब दिन बढ़ने जा रही है और सबसे ज्यादा दिक्कत गर्मियों से ही होता है, हाई टेम्परेचर पे ये मरने लगते हैं, तो इनकी टॉलरेंस, हीट टॉलरेंस बढ़े। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, डिजीज रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो मेंटेनेंस भी कम लगेगा। रिडक्शन इन साइज ऑफ एग लेइंग, तो एग लेइंग का जो साइज हो वो रिड्यूस हो जाए, मतलब कि एक पर्टिकुलर मेच्योरिटी टाइम को कम किया जाए कि मेच्योरिटी टाइम 4 महीना है या 1 साल है, 1 साल बाद कोई एग देना वो प्रोड्यूस कर रहा है कोई चिक, तो वो और जल्दी हो जाए। ठीक है, विद एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइबरस चीपर डाइट्स फॉर्मुलेटेड यूजिंग एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट। अब ये क्या किया जा रहा है कि जो आपका एग्रीकल्चर, सॉरी इधर ही लिख देता हूँ, जो कि आप एग्रीकल्चर का जो बाय प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर का बाय प्रोडक्ट ही यूज करके हम इसको ग्रो करा लो, तो ये एक चेन चलेगी ना, आपका एग्रीकल्चर से आपने एक प्रोड्यूस लिया, एग्रीकल्चर का जो बाय प्रोडक्ट आया इसमें आया, ये इसमें गया, यहां से भी हो सकता है कोई ब्राई प्रोडक्ट आगे हम इस्तेमाल करें, तो ये सारी चीजें यूज की जा सकती है।
सो यहाँ पे दो इमेजेस दिखाए गए हैं, असल और लेगहॉर्न की। ठीक है, अब देखते हैं, डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट पोल्ट्री इज इंडियाज मोस्ट इफिशियंट कन्वर्टर ऑफ लो फाइबर फूड स्टफ विच इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इनटू हाईली न्यूट्रिशियस एनिमल प्रोटीन फूड। मुझे लगता है ये बहुत अच्छे से समझाया है। अभी एग्रीकल्चर के बाई प्रोडक्ट को एक दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया गया है जिसको ह्यूमंस यूटिलाइज करते हैं, और यहाँ से हमने प्रोडक्ट निकाल दिया था। अगर जो ये प्रोडक्ट रहा होता है जो कि इस बाई ये बाई प्रोडक्ट इसमें जा रहा है, तो हम यही कंज्यूम कर लिए होते, बशर्ते ये जो बाई प्रोडक्ट था एक बार फिर चिकन्स में गया और चिकन्स का कंजम्पशन हो रहा है विद गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, एज गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें इसी को जस्टिफाई करने की बात की करी जा रही है। ठीक है ना, ओके। एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन। ब्रॉयलर चिकन्स आर फेड विद विटामिन रिच, भाई सही है। अगर जो हमें मीट बनाना है, मीट को न्यूट्रिशियस बनाना है, तो हमारा जो चिकन है उसमें भी विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए। सप्लीमेंट्री फीड फॉर गुड ग्रोथ रेट एंड बेटर फीड इफिशियंसी। ग्रोथ रेट क्यों मैंने रखता है, आप एक चिक स्टार्ट किया ग्रो करना, 5 महीने में वो ग्रो कर रहा है, 5 महीने में आप जितना फीड दोगे, और एक ग्रो कर रहा है 3 महीने में, तो 3 महीने में जितना फीड दोगे, मुझे लगता है यहाँ 5 महीने के कंपैरिजन में बहुत कम फीड होगा, और ये ग्रो भी हो गया, न्यूट्रिशन भी जब यहाँ कम टाइम में ग्रो करेगा तो न्यूट्रिशन का एनरिचमेंट भी ज्यादा होगा, तो उसकी क्वालिटी बढ़ेगी। They are produced as broiler and sent to the market meat purpose. For good protection of poultry birds, good management practices are important. अब इसके लिए क्या है? Good management होना चाहिए. These include maintenance of temperature, जाहिर सी बात है, hygienic condition होनी चाहिए जिससे disease कम हो. Housing and poultry feeds, आपको nutritious feed provide करना होगा, as well as prevention and control of diseases and pests. Vaccination और जो भी चीजें हैं, feed में मिला के antibiotics वगैरह दिए जाते हैं poultries को कि जल्दी से डिजीज ना हो, क्योंकि उस यहाँ पे अगर जो डिजीज होती है तो बहुत सारे पोल्ट्रीज एक साथ रहते हैं, बहुत सारे चिक्स एक साथ रहते हैं, बहुत सारे चिकन एक साथ रहते हैं, तो वो वहाँ पे डिजीज के स्प्रेड आउट होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। द हाउसिंग न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रॉयलर्स आर समवॉट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एग लेयर्स। अब ये जो मीट के प्रोडक्शन, मैंने कहा ना, मीट का प्रोडक्शन और एग लेइंग का प्रोडक्शन अलग अलग न्यूट्रिशनल वैल्यू वैल्यू रिक्वायर करता है, इसलिए दोनों के लिए अलग अलग एनवायरनमेंट भी चाहिए। द रोटेशन डेली फूड रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रॉयलर इज प्रोटीन रिच विद एडिक्वेट फैट। भाई जाहिर सी बात है कि एडिक्वेट फैट रहेगा तो उनमें फ्लैश अच्छे से जनरेट होगा, और प्रोटीन रहेगा तो जिससे उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ेगा। द लेवल ऑफ विटामिन ए एंड के केप्ट हाई इन द पोल्ट्री फीड्स, तो इनमें विटामिन ए और के ज्यादा मात्रा में रहता है। अगर विटामिन की बात करें तो पोल्ट्री फाउल सफर्स फ्रॉम द नंबर ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस, जाहिर सी बात है कि पैरासाइट्स और वायरस बैक्टीरिया फंजाई से तो ये होंगे ही, और साथ ही साथ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी इनमें डिजीज कॉज कर सकती है। These necessitates proper cleaning, sanitation, spraying, disinfectant and regular interval. तो इनको regular interval पे ये सारे साफ सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। Appropriate vaccination can prevent occurrence of infectious disease and reduce the loss of poultry during outbreak of the disease. ठीक है? अब देखते हैं क्या-क्या हमने management practice, what management practices common in dairy and poultry farming? हाँ, हमने पढ़ा है। What are the differences between broilers and एग लेयर्स इन देयर मैनेजमेंट। ठीक है, ये एक बढ़िया फैक्टर होगा इस क्वेश्चन के लिए जिसको हम लोगों ने पढ़ा है, ब्रॉयलर और एग लेयर्स के बीच में डिफरेंशिएट क्रिएट करने के लिए। ये एक एक्टिविटी दे रही है कि पास के आप लोकल पोल्ट्री फार्म में जाइए और एक अनुभव लीजिए कि एक्चुअली हाउ दे आर वर्किंग, हाउ दे आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स इफिशियंटली। बशर्ते इंडिया में मुझे नहीं लगता जिस लेवल पे और जिस जगह पे आप लोग ये देख रहे हैं वहां पे इस तरह की प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करी जा रही हैं, बशर्ते हो सकता है कि ये प्रोवाइड करे जा रहे हो और हमको पता ना हो। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट विल बी फिश प्रोडक्शन। फिश इज द चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सस्ता
मुझे तो नहीं लगता बहुत सस्ता है, मुझे चिकन से महंगा ही मिलता है जब तक मैं देखा हूँ। फॉर आवर फूड फिश प्रोटेक्शन इंक्लूड्स द फिन्ड ट्रू फिश। अब फिश, अब देखिए इसमें जैसे हमने बात किया फाउल, फाउल बोला गया था ना, तो सॉरी यहाँ पे तो आपके लिए एक डिफरेंट वर्ड था कि फाउल में ये बहुत सारे थे, आपको पता चल जा रहा था कि चिकन क्यों निकाल रहे, लेकिन फिश में तो फिश ही कहेंगे ना, तो फिश में ये दे रहा है कि इसमें हम फिंड फिश को भी इंक्लूड करते हैं, शेल फिश को भी इंक्लूड करते हैं। लाइक इसमें फिश तो आएगी साथ में शेल फिश भी आएंगे। अब शेल फिश क्या है? वो सेल्फिश नहीं है, शेल्फिश की बात हो रही है। ऐसे फिश जो एक एक्सटर्नल कवरिंग में रहते हैं, एक्सटर्नल कवरिंग, यहाँ एग्जांपल प्रॉन का दिया है, प्रॉन दैट इज झींगा, ठीक है, एंड मोलस्क, मोलस्क में आ जाता है आपका उसको क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, पैलिया, पैलिया ही होता है शायद, मुझे नाम जरा सा मिश हो रहा है, घोंघा बोलते हैं गांव में उसे। हाँ, देयर आर टू वेज ऑफ ऑब्टेनिंग, इसका मतलब यही नहीं, इसमें भी बहुत तरह के होंगे तो उसकी बात हो रही है। ओस्टर भी यूज किया जाता है, OYESTER, पर्ल ओस्टर, ठीक है ना। वन इज फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज विच इज कॉल्ड कैप्चर फिशिंग। एक तो हम नेचुरल रिसोर्सेज से कहीं नदी में जाते हैं, कहीं उसमें जहाँ पे पालतू चीजें नहीं होती हैं, नदी बहती जा रही है, नदी किसी का वो थोड़ी है, एक जमीन नहीं है, नदी कोई पर्टिकुलर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, तो वहां पे ऐसे जगहों पे जो ऐसे जगहों से जहाँ मछली पकड़ते हैं जहां पर किसी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसे नेचुरल कैप्चर फिशिंग कहते हैं। अदरवेज इज बाई फिश फार्मिंग, इसमें क्या कहते हैं, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आप अपना एक पॉन्ड बनाएंगे, उसमें फिश को पालेंगे और कंटिन्यूअसली उसे ग्रो कराएंगे, ओके, विच इज कॉल्ड कल्चर फिशरी, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें हुई, नेचुरल कैप्चर फिश जहां आप जा रहे हैं पकड़ रहे हैं, और एक हो गया कल्चर फिश। कैप्चर एंड कल्चर में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। वाटर सोर्सेज ऑफ फिश कैन बी आइदर सी वाटर और फ्रेश वाटर सच एज इन रिवर एंड पॉन्ड, मतलब कि आप समुद्र से भी मछलियां पकड़ सकते हैं, आप फ्रेश वाटर नदी तालाब से भी पकड़ सकते हैं। फिशिंग कैन दस बी डन बोथ बाय कैप्चर एंड कल्चर, ठीक है, और दोनों में कर सकते हैं, मराइन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में। अब मराइन फिशेस की बात आ रही है, इंडिया हैज मराइन फिशरी रिसोर्सेज इंक्लूड 7500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन। तो भारत के पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में कोस्ट लाइन है, ठीक, ये सारे कोस्ट लाइन ही तो हैं, तो ये कोस्ट लाइन, इंडिया का मैप आप देख सकते हैं, ये कोस्ट लाइन जो है ये टोटल आराम से बहुत ही ज्यादा सरफेस एरिया देती है जहां पे फिश प्रोडक्शन या फिश कैप्चरिंग की जा सकती है डीप सी से, ठीक है ना। पॉपुलर मराइन फिश वैरायटी इंक्लूड पॉम्फ्रेट, इसमें मराइन फिश के वैरायटीज दिखा रहा है, पॉम्फ्रेट मिल्स होता है, मैक्रिल होता है, ट्यूना होता है, शार्डिन्स होते हैं, एंड बॉम्बे डक, ठीक। मराइन फिश आर कॉट यूजिंग मेनी काइंड ऑफ फिशिंग नेट्स एंड फिशिंग बोट्स, तो जाहिर सी बात है समुद्र में पकड़ने जा रहे हैं तो बड़े बड़े जाल और बड़े बड़े नाव की जरूरत पड़ेगी। यील्ड आर इज इंक्रीज बाई लोकेटिंग लार्ज स्कूल ऑफ फिशेज, देखिए फिश के जो ग्रुप्स होते हैं उन्हें स्कूल कहते हैं, स्कूल ऑफ फिश इन ओशन सी यूजिंग सैटेलाइट एंड इको साउंडर्स, तो बहुत सारे साइंटिफिक टेक्निक्स यूज करके हम पता भी कर सकते हैं कि कहाँ पे मछलियाँ ज्यादा रहती हैं, किस एरिया में मछलियाँ ज्यादा रहती हैं, तो वहां से इनका प्रोडक्शन या फिर वहां से इनकी कैप्चरिंग बढ़ा सकते हैं। सबमरीन फिश एंड हाई इकोनॉमिक वैल्यू आर ऑल्सो फार्म इन सी वाटर, कुछ मराइन फिश और हाई इकोनॉमिक वैल्यू के जो फिश होते हैं वो उसमें कल्चर भी किए जाते हैं। दिस इंक्लूड फिन फिश लाइक मिलेट्स, बेटकी, पॉल स्पॉट्स, शेल फिश सच एज प्रॉन्स, मसल्स एंड ऑयस्टर ऑल एज वेल एज सीवी। तो यहाँ पे प्रॉन तो किया ही जा रहा है, मोतियों की ऑयस्टर तो किए ही जा रहे हैं, साथ ही साथ सी वीड्स की भी खेती करी जाती है जो
बहुत सारे स्पेसिफिक वनस्पतियां होती हैं जिससे बहुत ही अच्छे अच्छे डेलिकेसीज बनाए जाते हैं, खाना खाना बनाया जाता है, बहुत ही न्यूट्रिशियस खाना बनाया जाता है। सी वीट में एक आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जलीडियम एक होता है, जलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया ठीक, ये जो होते हैं ना, ये केक वगैरह आइसक्रीम वगैरह बनाने के काम में आते हैं। और यू डोंट आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस मटेरियल से, यहाँ तो सारी चीजें मैदा से और उससे बनाया जा रहा है, बट ये केक्स जब बिकते हैं ना, तो ये केक्स हो सकता है 2,000 3,000 रुपए किलो बिके, या फिर हो सकता है पाउंड में भी, आधा किलो 2,000 रुपए किलो, 2,000 रुपए पाउंड बिकेंगे। तो ये बहुत ही न्यूट्रिशनल फूड होते हैं, ओरिजिनल केक्स आप कह सकते हैं, आजकल जो आप गाँव में पा जा रहे हैं वो नहीं होता है। ऑयस्टर ऑल ऑल्सो कल्टिवेटेड फॉर द पर्ल्स दे मेक, तो जो ये ओस्टर होते हैं इनका पूरा नाम पर्ल ओस्टर होता है, पर्ल ओस्टर होता है, जो कि कल्टीवेट किए जाते हैं मोतियों की खेती के लिए, ठीक है। एज मराइन फिश स्टॉक गेट फॉर द डिप्लीटेड, द डिमांड फॉर मोर फिश कैन ओनली बी मेट बाई सच कल्चर फिशरीज, अ प्रैक्टिस कॉल्ड मैरी कल्चर, ठीक है। तो जब हम अपने गांव में या फिर लैंड एक्विजिशन की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे तालाब, बहुत सारे वाटर बॉडीज बर्बाद होते जा रहे हैं, तो वहां मछलियों की संख्या कम होती जा रही है, तो ऐसे प्रैक्टिसेस की जरूरत आज के दिन में आ पड़ी है। अब इनलैंड फिशरीज, अब तक समुद्र की बात करी जा रही थी, अब ऐसे फिशरीज की बात करनी जा रही है जो चारों तरफ से जमीन से घिरे हैं, बीच में पानी है, मतलब कि तालाब हो गए, पोखरे हो गए, झील हो गया, तो इस तरह के फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इंक्लूड कैनाल्स, पॉन्ड्स, रिजर्वायर्स एंड रिवर्स, ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज वर सी वाटर एंड फ्रेश वाटर मिक्स टुगेदर सच एज एस्टुरीज एंड लगून्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर फिश रिजर्वायर्स। तो सी वाटर तो देखे ही है, कैनाल, अब फ्रेश वाटर के सोर्सेज बता रहा है जरा सा, तो जिसमें कैनाल हो गया, पॉन्स हो गए, और रिजर्वायर हो गए, पूरा नाम लिखता हूँ अभी समझ में आ जाएगा, डैम रिजर्वायर्स हो गए, रिवर्स हो गए, और ये फ्रेश वाटर के सोर्सेज है। दूसरा आ जाता है ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर क्या होता है कि जहां पे फ्रेश वाटर प्लस सी वाटर मिलते, ठीक, ऐसे जगहों को हम लगून कहते हैं, लगून एंड एस्टुअरीज बोलते हैं, एस्टुअरीज बोलते हैं, एस्टुअरीज। अब ध्यान दीजिए, एस्टुअरीज हिंदी में बता दूं तो शायद नदी मुहाना कहते हैं, नदमुख, नदी मुहाना शायद, मैं कंफर्म नहीं, नदी मुहाना, ठीक है। ये ऐसे जगह है नदियां जब जाके समुद्र में मिल रही है, बात सीधी खत्म, जहां पे डेल्टास वगैरह बनते हैं, ठीक है। व्हाइल कैप्चर फिशिंग इज आल्सो डन इन सच इनलैंड वाटर बॉडीज द यील्ड इज नॉट हाई, जाहिर सी बात है समुद्र के तुलना में इनकी जगह बहुत कम होती है। मोस्ट फिश प्रोडक्शन फ्रॉम दीज रिसोर्सेज इज थ्रू एक्वाकल्चर, तो यहाँ एक्वाकल्चर कहते हैं। फिश कल्चर इज समटाइम्स डन इन कॉम्बिनेशन विद राइस क्रॉप्स, अब देखिए फिश कल्चर कितना अच्छा, ये इंटरक्रॉपिंग में एक और कॉन्सेप्ट डाल दिया है कि आपने धान बोया है उसी में मछलियां छोड़ दी है, तो वो घास फूस को खा रही है, वीड निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है, और वीड निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है तो वहां पे स्पेशली पेस्ट भी नहीं आएंगे, हो सकते हैं पेस्ट जो लार्वा वहां क्रिएट करें उनको भी ये मछलियां खा जाए, तो डिजीज भी नहीं होगा। सो दैट फिश आर ग्रो इन वाटर इन द पैडी फील्ड, मोर इंटेंसिव फिश फार्मिंग कैन बी डन इन कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम, अब यहाँ क्या हो गया, ऐसे कंडीशन को कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम कह रहे हैं। बोथ लोकल एंड इम्पोर्टेड फिश स्पीसीज आर यूज्ड इन सच सिस्टम, तो ऐसे सिस्टम में ये लोकल और एक्सॉटिक फिशेस को भी मंगा के काम किया जाता है। इन सच अ सिस्टम द कॉम्बिनेशन ऑफ फाइव और सिक्स फिश स्पीसीज इज यूज्ड इन द सिंगल फिश पॉन्ड, अब देखिए आपकी धान की खेती हो ही रही है, पांच छह तरह की मछलियां भी उसमें ग्रो कर रही हैं, तो
तो इससे बढ़िया प्रोडक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, इससे बढ़िया फाइनेंशियल सपोर्ट आपके लिए क्या हो सकता है। दीज स्पीसीज आर सेलेक्टेड सो दैट, फिर वही बात आएगी कि एक ही रिसोर्स के लिए लड़ाई ना करें, दैट दे डू नॉट कम्पीट फॉर फूड अमंग देम हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हैबिट्स। मतलब कि एक एक मछली, मान लीजिए ये ए मछली एक तरह की घास को खा रही है, ये घास है इसका और दूसरे का ये पसंदीदा होना चाहिए, ठीक है ना, ये इस पे ना फीड करे, ठीक है, तो कंपटीशन नहीं होगा। एज अ रिजल्ट द फूड अवेलेबल इन ऑल पार्ट ऑफ पॉन्ड इज यूज्ड। अब इसके हिसाब इसकी वजह से जो पूरे पॉन्ड में फूड ग्रो हो रहा है, लाइक जो नीचे पानी के नीचे जो पत्तियां या फिर जो भी माइक्रो फ्लोरा ग्रो कर रहे हैं उनको ये यूटिलाइज कर सके। अब इसमें क्या है, कटलाज आर सरफेस फीडर। अब देखो बात हो रही है कि ये एक मछली है कटला, कटला, अब आपका ये कह रहा है सरफेस फीडर होती है, ये सरफेस पे चीजें खाती हैं। मान लीजिए जो ये आपका पॉन्ड है, लेट मी, ये आपका पॉन्ड है, ये गहरा सा पॉन्ड है, कुछ प्लांट यहाँ ग्रो कर गया, ग्रो करके इतने ऊपर तक आ गए हैं, ठीक है, ये भी ग्रो किया है, ठीक है, ये और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका, जरा सा मैं समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मान लीजिए एक और कंडीशन बता रहा हूं कि मान लीजिए ये दोनों पे फीड करती है, लेकिन ये मान लीजिए कटला है, कटला इसमें से कौन है जरा देखें, बता देते हैं, हाँ कटला यही है, तो कटला जो है ये सरफेस पे फीड कर रही है, तो ये दोनों को खाएगी भी तो ये ऊपर से ही खाएगी ना, ये इसके इस रीजन में फीड कर रही है, तो दूसरा मान लीजिए ये बॉटम पे फीड करती है तो ये बॉटम पे चीजें खाएंगी और इसकी चीजें खाएंगी, ठीक है, जो फीड बढ़ रहे हैं उनको तो ये कटला के लिए यूटिलाइजेशन हो जा रहा है, नहीं तो दूसरे पे वो फीड कर रही है, इस तरह से काम चल रहा है। रोहूज दैट इज लेबियो शायद कहते हैं, फीड इन द मिडिल जोन, ये मिडिल जोन में कर रही है। मृगल्स, मृगल्स को हमारे यहाँ शायद बरारी बोलते हैं, बरारी, ठीक, मृगल्स ये एंड कॉमन कार्प्स आर बॉटम फीडर्स एंड ग्रास कार्प्स, ग्रास भी नाम सुना होगा आपने लोगों ने, फीड ऑन वीड्स टुगेदर दीज स्पीसीज। तो मतलब कि जो आपका कटला से ऊपर फीड करते हैं, रोहू जो है बीच में फीड करते हैं, मृगल्स और जो नॉर्मल कार्प्स होते हैं वो बॉटम पे फीड करते हैं, लेकिन जो ग्रास होते हैं वो इन सब के साथ इधर उधर घूम के फीड कर लेते हैं। कैन यूज ऑल फूड इन द पॉन्ड विदाउट कम्पीटिंग विद ईच अदर, दिस इंक्रीज द फिश यील्ड ऑफ द पॉन्ड, जाहिर सी बात है भाई बढ़ाएगा। वन प्रॉब्लम विद सच कम्पोजिट फिश कल्चर इज मेनी ऑफ दीज फीड ब्रीड ओनली ड्यूरिंग मानसून। अब सबसे बड़ी बात है कि ये मानसून के टाइम पे ही फीड करती है। इवन इफ फिश सीड इज कलेक्टेड फ्रॉम द वाइल्ड इट कैन बी मिक्सड विद दैट ऑफ अदर स्पीसीज एज वेल, सो अ मेजर प्रॉब्लम इन फिश फार्मिंग इज लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड। अब दिक्कत ये है कि इनके अच्छे वेराइटीज नहीं मिल पा रहे हैं। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वेज have now been worked out to breed these fish in pond using hormonal stimulation. अब इनकी ब्रीडिंग के लिए जिस पॉन्ड में आप रखे हुए हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स मिलाए जाते हैं जिससे कि इनमें ब्रीडिंग हो सके। This has ensured the supply of pure fish seed in desired quantities. अब इसमें इस तरह से एक प्योर फिश सीड को without intermixing other breeds वो इनको पहुंचाया जाता है। अब ये लास्ट टॉपिक आ गया है बी कीपिंग, इसको जल्दी से खत्म करते हैं। बी कीपिंग, हनी इज वाइडली यूज्ड फॉर देयरफॉर बी कीपिंग फॉर मेकिंग मनी हैज बिकम एन एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस। ये एक एंटरप्राइज हो चुका है, सोचिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में इसकी खेती की जा रही है, बहुत ही महंगा बिकता भी है तो इससे पैसे भी ज्यादा आते हैं। सिंस बी कीपिंग नीड्स लो इन्वेस्टमेंट फार्मर्स यूज इट एज एन एडिशनल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। तो ये अब ऐसा भी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर सीजन में हनी बनेगा किसी एक पर्टिकुलर सीजन में नहीं बनेगा, ऐसा तो होता नहीं है, तो इसलिए फार्मर इसका कंटिन्यूअस फाइनेंस जनरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। द
इन एडिशन टू हनी द बी हाइव्स आर द सोर्सेस ऑफ वैक्स, तो हनी के साथ आपको मोम भी मिलेगा विच यूज वेरियस मेडिसिनल प्रिपरेशन। आप मेडिसिनल चीजों को बेच रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपकी फाइनेंसिस कितनी अच्छी ग्रो करेगी। द लोकल वेराइटीज ऑफ बीज यूज फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन आर एपिसरेना सिरियाना इंडिका, जिसे सीधे एपिस इंडिका ही बोला जाता है, जो कि छोटी मधुमक्खियों की होती हैं, बहुत बड़ी नहीं और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन भी नहीं देती हैं, कॉमनली नोन एज इंडियन बी। दूसरी आती हैं एपिस डोर्साटा, नाम से ही पता चल जाता है, जो कि रॉक मक्खी होती हैं, पत्थरों आदि में घर बनाती हैं और इसी को सारंग मक्खी कहती हैं, ठीक है। एपिस फ्लोरा, तो ये भी फ्लोरी द लिटिल बी, इनको ये और भी छोटे होते हैं। एन इटालियन बी वेराइटी इज एपिस मेलिफेरा, ये काफी अच्छा प्रोडक्शन देती है, हैज आल्सो ब्रॉट इन टू इंक्रीज यील्ड ऑफ हनी। तो उनको हम देख रहे हैं, मतलब इटली से कुछ एक स्पेशल स्पीसीज पकड़ के लाए हैं और इंडिया में इंट्रोड्यूस कराए हैं, जैसे कि हनी का प्रोडक्शन बढ़ सके। दिस इज द वेराइटी कॉमनली यूज फॉर द कमर्शियल हनी प्रोडक्शन। द इटालियन बीज हैव हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, दे स्टिंग समवॉट लेस, मतलब कि डंक भी कम मारती हैं, कम गुस्सैल होती हैं, दे स्टे इन अ गिवन बी हाइव फॉर लॉन्ग पीरियड, एक ही बी हाइव में काफी लॉन्ग पीरियड तक रहती हैं, एंड ब्रीड वेरी वेल। फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन बी फार्म एंड एपियरीज आर एस्टेब्लिश्ड, तो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए बी फार्म या एपियरीज बनाए जा सकते हैं या फिर बनाया गया है। द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन द पॉस्चराइज एंड फ्लावर अवेलेबल, जो ये क्वालिटी बन रहा है इसके लिए पॉस्चराइज और फूलों की अवेलेबिलिटी भी बहुत मायने रखती है, मतलब कि जब वसंत का ऋतु होगा तो इसमें ज्यादा ग्रो हनी ज्यादा बनेगा। टू द बीज फॉर नेक्टर एंड पॉलन कलेक्शन, इन एडिशन टू एडिक्वेट क्वांटिटी एंड पॉस्चराइज द काइंड ऑफ फ्लावर अवेलेबल विल डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ द हनी, तो इनके पॉस्चराइज और फ्लावर अवेलेबिलिटी पर भी वो हनी का टेस्ट डिपेंड करता है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है कि नहीं, समझाया गया कि नहीं। व्हाट आर द डिजायरेबल कैरेक्टर फॉर वी वैरायटी सुटेबल फॉर हनी प्रोडक्शन, जाहिर सी बात है लेस स्टिंगिंग बिहेवियर, मोर पॉलन कलेक्शन, मोर हनी प्रोडक्शन, ठीक है, लॉन्ग, इसे कैसे लिखा जाए, जैसे कि लॉन्ग टाइम तक एक बी हाइव में वो रह सके, एक लोकेशन पे रह सके। व्हाट इज पॉस्चराइज एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू हनी प्रोडक्शन, ठीक है ना, तो इसको भी यहाँ पे बताया गया है कि पॉस्चराइज क्या है, और वो कह रहा है शायद मैंने पॉस्चराइज के बारे में नहीं बताया, ठीक है ना, एक मिनट जरा। पॉस्चराइज का ऐसे मतलब समझिए कि उनका बिहेवियर कैसा है और किस तरह के पौधे उस समय अवेलेबल रह रहे हैं, बस यही मतलब है, ठीक है ना। अब ये व्हाट यू हैव लर्न्ड, इसके बारे में मुझे नहीं लगता है इस लेक्चर में देना चाहिए, और ये एक्सरसाइज आप जरूर कंप्लीट कर लें और कंप्लीट करके नोट्स मुझे thexpelforestam@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर जो मैं इसे ना देखूं तो आप यहाँ नोट्स बनाकर आप YouTube पे कमेंट जरूर कर दें कि मैंने इस उसका नोट्स सेंड कर दिया है, आप देख लीजिए, मैं चेक करके भेज दूंगा, ओके। तो कमेंट में मैं बता दूंगा क्या कंडीशन है, कैसा वो है। तो आज ये बायोलॉजी का सेशन खत्म हो गया क्लास 9th का, अब देखते हैं आगे कौन सा वीडियो पे काम करना है, ओके। सो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन।